हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एंटरटेनमेंट चैनल। द मच अवेटेड फिल्म ऑफ 2024 जिगरा, उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल है वेदांग और आलिया भट्ट। आइए इसके ट्रेलर को देखते हैं और उस पर जो है वो रिएक्शन देते हैं। तूने कुछ किया? तू कुछ टच किया? कुछ खाया? ओके, तेरे फोन से कोई कॉल्स? कभी नहीं कोई कॉल्स किए तेरे फोन से? नहीं, ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना? तू डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे। फंस गया जी उसका भाई, धर्मा प्रोडक्शन। इमरजेंसी हो, अगर मैं अपना नस काट दूं तो क्या वो अंकुर को मुझसे मिलने देंगे? पागलों जैसे बात मत करो, give me that knife। तू मैं ड्रामेटिक नहीं बन रही, okay? Just tell me the rules. Can an inmate meet a family member in a life and death situation? It's very simple. ओ हो, आलिया भट्ट आ गई है भाई फिर फॉर्म में एक दफा। तू सेट है? वो खैर, एक गई थले। Could I get you something? Everything. ओहो, बाकी एवरीथिंग आ गया जी खाने के लिए। होए 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 होए, फुल टाइम शराब का ग्लास भी उल्टाया जा रहा खाने के साथ। क्या बात है यार, जबरदस्त। आलिया भट्ट भी प्रोड्यूसर है इसकी, करण जौहर के साथ। परेशान तो नहीं कर रहा ना उधर? कोई क्या परेशान करेगा मुझे, आप जो मेरी दीदी हो। हाँ, आप जो मेरी दीदी, हजारों में एक। यार एक बात आपने देखी, आलिया भट्ट का पहला सीन आप देखो फोन वाला, उसके अंदर उसकी एक्टिंग चेक करो। कट टू सेकंडली अलहदा सीन जो है वो सेकंड सीन देखो, जिसमें वो छुरी लेके बोल रही है कि अगर मैं अपने आप की रिस्क काटती हूँ तो मुझे वहां पर जाने दिया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, ताकि उसकी जो है उसके भाई से जो वो मुलाकात किसी तरीके से हो जाए। वेदांग रैना जो है वो जो आरजीज में आया था, जो अमिताभ बच्चन का जो है बेटी का बेटा है, उसके साथ है। और वसन बाला इसका डायरेक्टर है, जिसने अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हुई, और इसकी जो कहानी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। जो इसकी फिल्म आई थी वो भी सुपर हिट गई थी, और वो बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट सीन था, उसमें डिफरेंट स्क्रीन प्ले था और अच्छी थी। इसमें आप एक्शन सीन देखो, क्या जबरदस्त खूबसूरत तरीके से जो एक्शन सीन जो है वो कोरियोग्राफ किए गए हैं। और आलिया भट्ट 2024 की बेस्ट एक्ट्रेस मैं बता रहा हूँ कि इसको ही मिलेगा, इसके अलावा कोई भी अब हीरोइन आ जाए पूरे साल में एक्ट्रेस का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये लेके जाएगी। इन दोनों मियां बीवी में ठाना में वो अपने बाप को बचाने के चक्कर में एनिमल में खूनो खून कर देता है, ये अपने भाई को बचाने के चक्कर में जो है वो खूनो खून कर देगी सारी फिल्म। वहां से उसने बेस्ट एक्टर लिया था, यहां से ये ले लेगी बेस्ट एक्ट्रेस। हुआ ट्रेलर इज गोइंग वेरी नाइस, बेहतरीन सुपर डुपर हिट है, शॉर्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। आलिया भट्ट की गंगूबाई के बाद जो है वो एक्टिंग देखने वाली होगी, और इस फिल्म को जो वो अच्छी ओपनिंग, बम्पर ओपनिंग मिलेगी। आइए बकाया ट्रेलर देखते हैं। तेनु संग रखना, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत सीन है ये। तेनु संग रखना, वसन बाला। मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ। क्या बात है, बेहतरीन जिगरा। इन सिनेमाज 11 अक्टूबर 2024। स्ट्रीमिंग पार्टनर जो है वो नेटफ्लिक्स भी है। 11 अक्टूबर 2024 को जो है वो रिलीज की जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर ये होने वाली है। और आलिया भट्ट की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतरीन, बहुत ही हाई लेवल पे होगी। आलिया भट्ट सबसे ज़्यादा तो बात ये कि इस टाइम इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में सबसे वर्सटाइल एक्ट्रेस है।
आप उसकी हाईवे में एक्टिंग देख लो, उड़ता पंजाब में एक्टिंग देख लो, गली बॉय में एक्टिंग देख लो, गंगूबाई में एक्टिंग देख लो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक्टिंग देख लो, और उसके बाद अब जो है कि सोना सुचल पीस फेंकने वाली है जिगरा, जो मुझे पक्का यकीन है कि ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और इसी के साथ वो प्रोड्यूसर भी बन रही है, करण जौहर ने उसको अपने साथ मिला लिया होगा, और प्रोड्यूसर बन के भी पैसे कमाएगी, एक्ट्रेस के भी पैसे लेगी, और जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमिंग पार्टनर, सैटेलाइट राइट, सब बेहतरीन। टेलर देख के तो मजा ही आ गया, छा गई है। लोगों ने कहा था कि ये पुरानी फिल्म गुमराह श्रीदेवी और संजय दत्त की जो आई थी, जो महेश भट्ट की थी, ये उसकी कॉपी, ये उसकी कॉपी नहीं है, मैं आपको पहले बात बता दूं, ये उसकी बिल्कुल कॉपी नहीं है, ये एक डिफरेंट स्टोरी होगी। अब के इस बेस पे उसका भाई जो है वो गया है अंदर, वो देखना होगा कि उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, और ये कैसे उसको छुलाती है, कैसे हुक्ड एंड बुक करके रखते हैं आपको ये फिल्म के अंदर। थ्रिलिंग मोमेंट्स होंगे, एंगेजिंग होगी, एज ऑफ द सीट होने वाली है यार ये फिल्म, मैं बता रहा हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक्शन कोरियोग्राफ किया गया, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बेहतरीन बज रहा था, और जिस तरह एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए गए हैं आपको मैं कहता हूँ बड़े पर्दे पर देख के मजा आ जाएगा। मेरी तरफ से थम्स अप है, सुपर डुपर हिट है इन एडवांस। ट्रेलर इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक, गुड, सुपर डुपर हिट, माइंड ब्लोइंग।